आज जनवादी महिला समिति की ये जो ऑल इंडिया रैली है, 23 राज्यों से 10,000 से करीब औरतें आई है। हमारी मुख्य डिमांड है कि औरतों के ऊपर जो बढ़ती हिंसा है उसके ऊपर तुरंत रोक लगाई जाए। जो लड़कियों पे हिंसा हो रही है, ऐसे गुनहगारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आज 25% ही रेप केसेस के अंदर कन्विक्शन होता है। ये सरकार आज बीजेपी आरएसएस के लोग जो गुनहगार हैं उनके समर्थन में आज उतर रही है, तो ये बहुत ही खतरनाक परिस्थिति हो गई है इस देश के अंदर। और औरतें ये हिंसाचार सहन नहीं करेगी ये कहने के लिए आज रास्ते पे आई है। दूसरी बात है अनाज का सवाल। अनाज आज इतना महंगा हो गया है और राशन में आज कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि आधार से और बायोमेट्रिक से जो जोड़ा गया है उससे आधार औरतों को अनाज से वंचित रखा जा रहा है। हम कहते हैं हम ये बायोमेट्रिक मशीन नहीं मानते हैं, औरतों को अनाज देना ही होगा सरकार को। तीसरी बात है रोज़गार का सवाल। आज औरतों के हाथों को काम नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, उससे जुड़ के भूखमरी भी बढ़ गई है। भूख से आज छोटे बच्चे और औरतें मर रहे हैं और हाथों को काम नहीं मिल रहा। मनरेगा के अंदर जिन औरतों ने काम किया है उनको वेतन नहीं मिला, दो दो साल तक वेतन नहीं मिला है, वो औरतें भी शामिल है इस रैली के अंदर। ये सभी बातों को लेकर हम बस्तियों में गांवों में जाएंगे। 10 दिसंबर जो मानवीय अधिकार दिन है उस दिन हम ये ज़्यादा मजबूती से आवाज़ उठाएंगे। 2019 के अंदर ये जो हमारी लड़ाई है, हमारा जो संघर्ष है, वो आगे लेके जाएंगे। और मोदी सरकार, ये आरएसएस मनुवादी सरकार, ये सरकार इस मुल्क में धर्मनिरपेक्ष मुल्क में नहीं चलेगी ये कहने के लिए हम औरतों को इकट्ठा करेंगे। इज्जत के नाम पर जो हत्याएं हो रही है, उन परिवार से लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे कथुआ के केस लड़ने वाली जो वकील है दीपिका जी, वो आए हैं। ये अलग अलग तबके से लोग यहाँ पे आके अपनी बात रख रहे हैं। ये कहने के लिए सभी औरतें हम एक साथ में मिलके लड़ेंगे। हम नहीं डरते इनकी दहशत के पूरे राजनीति से। ये जो पूरे अभी लॉयर्स को जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है वो जेल में डाल रहे, हम नहीं डरते बीजेपी और आरएसएस की इस हुकूमत से। और ये कहने के लिए आज 23 राज्य से 10,000 से ज़्यादा औरतें यहाँ पर दिल्ली के रास्ते पे आई हैं। हमने यहाँ पर पब्लिसिटी के लिए जो हमने पर्चे निकाले, पोस्टर्स निकाले, बस्तियों में गांवों में मीटिंग ली, हज़ारों की तादाद में मीटिंगें ली, करीबन 2-3 महीनों से हमारा ये प्रोपेगेंडा चल रहा है। औरतें आई है, सभी आई है ट्रेनों के अंदर। हम आए ऐसे ही आए क्योंकि मजदूरी करने वाले हैं, तो हम बहुत बड़े पैमाने पे ये कोई रिजर्वेशन वगैरह करके तो आ नहीं सकते हैं। तो ऐसी हज़ारों की तादाद में औरतें अपने खुद के खर्चे से, अपनी खुद मेहनत करके यहाँ पर मौजूद हुई है, क्योंकि ये जानती है ये लड़ाई हम सबकी लड़ाई है, ये संघर्ष हमारा है, ये किसी और का संघर्ष नहीं है। जैसे भाजपा के लोगों को पैसा देके इकट्ठा करके लाते हैं, उस तरह से हमारा संघर्ष चलता नहीं। हम मजदूरों के और मेहनत करने वालों के श्रम से, परिश्रम से, मेहनत से हमारा संघर्ष चलता है, हमारी संगठन चलती है, और उसी की झलक यहाँ पर दिख रही है। आज हमारी रैली के अंदर सभी भाषा, सभी धर्म, सभी जात के लोग मौजूद हैं, क्योंकि जनवादी महिला समिति धर्मनिरपेक्षता में और राष्ट्रीय एकात्मता में विश्वास रखती है। ये जो राजनीति आज हमारे देश में है, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर बंटवारा करना, उसके खिलाफ भी हम आवाज़ उठाते हैं। हम धर्मांध जो पूरा वातावरण ये करना चाहते हैं मनुवादी हिंदुत्ववादी लोग, उसके खिलाफ धर्मनिरपेक्षता के लिए भी औरतें लड़ रही है, उसका भी ऐलान हम यहाँ से किए हैं। हमने यहाँ पर एक रेजोल्यूशन, हमारा प्रस्ताव हमने पास करवाया है, और ये प्रस्ताव लेकर हम गली गली जाएंगे, कूचे कूचे में जाएंगे और बताएंगे, कोई धर्म हो, कोई मज़हब हो, कोई जात हो, हम सब भारतीय नागरिक है। इस भारतीय संविधान के तहत हम इस मुल्क में जी रहे हैं, इसलिए ये हमारा देश है। जो यहाँ जीता है उन सबका ये देश है।